Hello guys, my name is Parthi Mahabharti and welcome to my channel. Today in this video I am going to share with you passive of meher. Guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ मेहर का पैसिव, तो देखते हैं कैसे इनका यूज करना है. दोस्तों आज जो आप सीखने वाले हो मेहर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का पैसिव. दोस्तों सबसे पहले आपको पैसिव समझने के लिए एक टिप समझना होगा ताकि आप अच्छे तरीके से पैसिव समझ सके. तो देखते हैं मेहर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यदि आपको एक्टिव में यूज करना होगा तो आप किस सिचुएशन में यूज करोगे. जैसे मान लो सिचुएशन ए है कि आप प्रेजेंट टाइम में खड़ा हो और आप प्रेजेंट टाइम में खड़ा होकर ऐसा सोच रहे हो कि कोई काम हो गया होगा, कोई काम हो चुका होगा. ऐसा आपका अंदाजा है, ऐसा आपका गेस है, ऐसा आपका संभावना है, ऐसा आपका पॉसिबिलिटी है. आप यहाँ पे गए श्योर नहीं हो. जैसे मान लो मैं आपको कहूँ कि आपकी मदर ने खाना बना लिया होगा तो आपका ऐसा गेस है, आप यहाँ पे अंदाजा लगाओगे, आपका ऐसा गेस होगा, आप यहाँ पे श्योर नहीं हो. यदि आप यहाँ पे श्योर होते तो इसका इंग्लिश बनता योर मदर हैज कुक्ड फूड, आपकी मदर ने खाना बना लिया है. लेकिन गाइस आप यहाँ पे श्योर नहीं हो, आपका ऐसा अंदाजा है, आपका ऐसा गेस है. तो इस सिचुएशन में दोस्तों आपको यूज करना है मेहर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का एक्टिव में यूज. जैसे मान लो यहाँ पे एक सेंटेंस है, मेरा बेटा उसे आमंत्रित किया होगा. ऐसा आपका अंदाजा है, ऐसा आपका पॉसिबिलिटी है, आप यहाँ पे श्योर नहीं हो. यदि आप गाइस यहाँ पे श्योर होते तो यहाँ पे इंग्लिश बनता माय सन हैज इनवाइटेड हिम, मेरा बेटा ने उसे आमंत्रित किया है. लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे श्योर नहीं हो, आपका ऐसा गेस है, आपका ऐसा अंदाजा है, आप यहाँ पे गेस कर रहे हो. कितना परसेंट गेस है? 50-50% यहाँ पे चांसेस है. तो दोस्तों इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट है मेरा बेटा, यानी सब्जेक्ट किसी काम को खुद एक्शन परफॉर्म किया होगा, खुद अंजाम दिया होगा. यहाँ पे एक सेंटेंस है पैसिव का, उसे आमंत्रित किया गया होगा. तो गाइस दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? यहाँ पे सेंटेंस है मेरा बेटा उसे आमंत्रित किया होगा, यानी सब्जेक्ट है मेरा बेटा और सब्जेक्ट ही किसी काम को खुद अंजाम दिया होगा. यहाँ पे सेंटेंस है उसे आमंत्रित किया गया होगा. तो गाइज इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट है उसे. लेकिन गाइज इस सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी काम को किया है नहीं, बल्कि सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ होगा. यानी एक्टिव का मतलब कि सब्जेक्ट किसी काम को खुद एक्शन परफॉर्म करेगा और पैसिव का मतलब कि सब्जेक्ट किसी काम को एक्शन परफॉर्म खुद से नहीं करेगा बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा. सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर होगा, सब्जेक्ट रिसीव करेगा, सब्जेक्ट आपका रिसीवर होगा. तो देख लेते हैं अब इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर. सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मेहर ऑल सब्जेक्ट के साथ, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज कर देना है मेहर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. ये हो गया आपका स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल है मेरा बेटा उसे आमंत्रित किया होगा, ऐसा संभावना है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, 50-50% चांसेस है. तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मेरा बेटा यानी माय सन. इसके बाद मेहर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है आमंत्रित करना यानी इनवाइटेड उसे हिम. मेरा बेटा उसे आमंत्रित किया होगा, माय सन मे हैव इनवाइटेड हिम. अब हम देख लेते हैं पैसिव का सेंटेंस. सबसे पहले समझेंगे स्ट्रक्चर. सबसे पहले लगा देना है सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट आपका कैसा है? नॉन डूअर है. सब्जेक्ट आपका कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा. प्लस मे हैव बीन ऑल सब्जेक्ट के साथ, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो प्लूरल हो, आपको ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज कर देना है मे हैव बीन. प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. पैसिव में गाइस हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है. यदि आपको जरूरत पड़े तो जरूरत के अनुसार आप बाई लगाकर डूअर को दिखा सकते हो. एग्जाम्पल देखते हैं उसे आमंत्रित किया गया होगा. तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है उसे यानी ही. लेकिन सब्जेक्ट आपका कैसा है? नॉन डूअर है. सब्जेक्ट आपका कोई कार्य नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा. प्लस यूज कर देना है मे हैव बीन, मे हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आमंत्रित करना इनवाइटेड उसे आमंत्रित किया गया होगा, ही मे हैव बीन इनवाइटेड.
एक्टिव का सेंटेंस है, आपका बेटा ने उसे पीटा होगा, ऐसा अंदाजा है, ऐसा गेस है, आपका बेटा ने उसे पीटा होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका बेटा यानी योर सन प्लस मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है पीटना, बीटन उसे, हिम, आपका बेटा ने उसे पीटा होगा, योर सन मे हैव बीटन हिम, यहां पे पैसिव का सेंटेंस है, उसे पीटा गया होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है उसे यानी ही, सब्जेक्ट आपका कैसा है, नॉन डुअर है, प्लस मे हैव बीन, मे हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पीटना, बीटन उसे पीटा गया होगा, ही मे हैव बीन बीटन, यहां पे सेंटेंस है पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया होगा, ऐसा अंदाजा है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है पुलिस, इसके बाद मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है गिरफ्तार करना, अरेस्टेड उसे, हिम, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया होगा, पुलिस मे हैव अरेस्टेड हिम, यहां पे पैसिव का सेंटेंस है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है उसे यानी ही, सब्जेक्ट आपका कैसा है, नॉन डुअर है, प्लस मे हैव बीन, मे हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है गिरफ्तार करना, अरेस्टेड उसे गिरफ्तार कर लिया गया होगा, ही मे हैव बीन अरेस्टेड, एक्टिव का सेंटेंस है मेरी डॉटर ने खाना बनाया होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा आपका अंदाजा है, ऐसा आपका गेस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मेरी डॉटर यानी माय डॉटर, इसके बाद लगा देना है मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाना बनाना, कुक द फूड, मेरी डॉटर ने खाना बनाया होगा, माई डॉटर मे हैव कुक्ड फूड, यहाँ पे पैसिव का सेंटेंस है, खाना बना दिया गया होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है खाना यानी फूड प्लस मे हैव बीन, मे हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है बनाना, कुक्ड, खाना बना दिया गया होगा, फूड मे हैव बीन कुक्ड, एक्टिव का सेंटेंस है मेरी बहन ने मेरा कपड़ा धोई होगी, ऐसा अंदाजा है, ऐसा गेस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मेरी बहन यानी माय सिस्टर, इसके बाद लगा देना है मे हैव, मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है कपड़ा धोना, washed my clothes, मेरी बहन ने मेरा कपड़ा धोई होगी, my sister may have washed my clothes, ये हो गया दोस्तों आपका active का sentence, यहाँ पे passive का sentence है, मेरा कपड़ा धुल दिया गया होगा, ऐसा अंदाजा है, guess है। तो सबसे पहले subject, subject है मेरा कपड़ा यानी my clothes, इसके बाद मे हैव बीन इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है धुलना यानी वॉश्ड, मेरा कपड़ा धुल दिया गया होगा, माई क्लोथ्स मे हैव बीन वॉश्ड, ये हो गया दोस्तों पैसिव का सेंटेंस। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, थैंक यू।